हाई फ्रेंड्स जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा स्टैटिक टॉपिक टू राइट तो सिट बी ग्रिल डे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी अलोंग विद द लेटेस्ट डेटा क्योंकि देखो स्टैटिक के साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम करंट अफेयर कॉम्पोनेंट को भी समझ लें तो ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट रहेगा जहाँ पर हम मॉनिटरी पॉलिसी बेसिक्स को समझेंगे एंड उससे जुड़ा हुआ जो भी लेटेस्ट डेटा है वो सारे चीज को पढ़ लेंगे ताकि जो भी एम आए उसका जवाब आप दे पाओ सो फ्रेंड्स डाउनलोड दी डी एफ डो नॉट फॉरगेट टू यू नो डाउनलोड दी डी एफ सो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू आई एक्स एम बी शुरू करते हैं हमारा लेक्चर सबसे पहले न्यूज के साथ कि किस न्यूज़ के बेसिस पे हमने ये लेक्चर को पढ़ना है अभी हाल ही के दिन में सेवन दिसंबर को आर बी आई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट से ठीक है तो रेपो रेट अभी क्या हो गया सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट सो बैकग्राउंड एंड हाईलाइट को समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ये जो रेपो रेट को हा, उन्होंने हाई किया है फॉलोइंग वाट तो चलिए अब हम प्योर स्टैटिक चीज को समझते हैं थ्रू बैकग्राउंड एंड हाईलाइट सबसे पहला है कि देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन वॉज द फर्स्ट हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थाउजेंड नाइन चेयरमैन रघुराम राजन मतलब रघुराम राजन जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे लेकिन दो हजार नौ में उनके अंडर पे एक कमिटी बनाया गया था और उनके रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया कि इन्फ्लेशन फोकस में करना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो सबसे पहले इस इस इन्फ्लेशन को पूरे पिक्चर में किसने लाया रघुराम राजन की कमेटी 2009 वाली उसके बाद उस रिपोर्ट में रिकमेंडेड दैट आर बी आई कैन बेस्ट सर्व द कॉज ऑफ ग्रोथ बाई फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरवीनिंग इन करेंसी मार्केट ओनली टू लिमिट एक्सेसिव वोलेटिलिटी उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेशन और फॉरिक्स मतलब एक्सचेंज रेट की बात की अपने पूरे रिपोर्ट में और पूरे कैशनल को समझाया हमको उतना नहीं समझना है लेकिन येस yes, हम समझेंगे उसके बाद फर्दर द रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट देर शुड बी ए सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेइंग क्लोज टू ए लो इन्फ्लेशन नंबर और विद इन द रेंज इन ए मीडियम टर्म मूविंग स्टेडली टू ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू अचीव इट उन्होंने रिपोर्ट में यह भी एक्सप्लेन किया कि हम एक पर्टिकुलर नंबर को टारगेट करेंगे और एक रेंज को टारगेट करेंगे राइट इन ए मीडियम टर्म एक मीडियम टर्म में करेंगे और एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से करेंगे मतलब बहुत सारा हथियार आरबीआई लेके नहीं आएगा आरबीआई के पास एक ही हथियार उसी हथियार से आरबीआई ये करने वाला है राइट right? तो ये था उनके रिपोर्ट का रैशनल ए अब 2014 में डॉक्टर राजन क्या बन जाते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई बन जाते हैं तो उन्होंने अब फिर से एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाया मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का अंडर उर्जित पटेल तो उर्जित पटेल की कमेटी ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया एंड वही रिकमेंडेशन मतलब डॉक्टर राजन का एंड डॉक्टर पटेल का दोनों का रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए आज के दिन का जो मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये उनके उन दो रिपोर्ट में बेस है सो so, अब आप देख रहे हो कि एक लाइन पर्टिकुलरली ब्लू है ऐसा क्यों बिकॉज इस लाइन को मुझे आपको समझाना है सो so, समझते हैं इस लाइन को ठीक है देखो अगर एक मैं ट्रैंगल बनाऊं तो आरबीआई कंसर्न क्या सारा चीज से है आरबीआई कंसर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ से ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो एकदम ऊपर रहना चाहिए उसके बाद है इन्फ्लेशन से उसके बाद है आपका फॉरेक्स एक्सचेंज ex, से ठीक है तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ग्रोथ रेट और फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में आपने ये लाइन देखे हैं इन करेंसी मार्केट ओनली टू लिमिट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ठीक है बस एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करती है आरबीआई बाकी तो सब ऑटोमेटिक होता है अब होता कैसे है देखो रेपो रेट ये रेपो रेट का मतलब क्या है ये वो रेट है जो बैंक आर से बोरो करती है फॉर शॉर्ट टर्म मतलब बैंक बोरो करती है तो अगर रेपो रेट हाई रहा तो क्या होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई रहता है मतलब बैंकों को महंगा लोन मिलता है अब अगर बैंकों को लोन महंगा मिलता है तो बैंक जो रिटेल लोगों को मतलब आपको और मुझे जो लोन देती है वो क्या होता है कॉस्टली होता है तो अब अगर आपको और मुझे लोन कॉस्टली मिला तो सी बात है हमको कुछ जो चीज़ खरीदना होता है थ्रू दैट लोन फॉर एग्जाम्पल कार हाउस हम उसको थोड़ा सा डिले करते हैं देयर बाई रिड्यूसिंग दी दी एक्सेसिव डिमांड अगर डिमांड कम हो गया ऑब्वियस सी बात है जो सप्लाई करने वाला है वो क्या करेगा प्राइस को गिरा देगा ताकि डिमांड बूस्ट मिले लेकिन जब रिपोर्ट हाई होता है एक प्रॉब्लम होता है कि लोग सामान कम डिमांड करते हैं अब लोग कम डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा हैम्पर समझ में आ रहा है अब इसके ठीक उल्टा केस को आप समझो अगर रेपो रेट कम किया आर बी आई या रेपो रेट कम में तो क्या होता कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत लो रहेगा तो बैंकों के पास बहुत एक्सेसिव फंड रहेगा और फंड नहीं भी रहा तो बैंक आर बी आई से उठा के लाएगी क्यों क्योंकि उनके लिए बोरो करना अब सस्ता है थ्रू रेपो रेट तो वो रिटेल लोगों को मतलब आपको और मुझे लोन सस्ते में दे पाएगी लो इंटरेस्ट रेट अगर आपको और मुझे लो इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है ऑब्वियस सी बात है आप भी अपने फादर को बोलोगे कि मुझे हम एक चलो पापा हम कार खरीदते हैं क्यों क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है राइट सो दिस इज हाउ यू नो इकोनॉमिक वर्क तो हम क्या करेंगे हम डिमांड क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में और जब हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्यों क्योंकि उस डिमांड एक्स्ट्रा डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी में ज़्यादा लोग को काम देना है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होता कैसे है जहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होते हैं और लोग ज़्यादा खर्च करते हैं इकोनॉमी में क्योंकि एक्सेसिव डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो फैक्ट्रीज है वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेगी मतलब दे विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल ऑन दी अदर हैंड वेन आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग जाके चीज़ खरीदते हैं वो एक्सेसिव डिमांड को तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करते हैं तो ये था सिंगल हथियार रेपो रेट इस रेपो रेट के थ्रू रघुराम राजन जी ने बोला कि रेपो रेट के थ्रू हम सारे चीज को मैनेज कर सकते हैं और उन्होंने बोला था सिंगल डिजिट मतलब वो गवर्नमेंट और आरबीआई ने किया है चार परसेंट मतलब रेपो जो इन्फ्लेशन है वो चार परसेंट इकोनॉमी में होना चाहिए लेकिन हमेशा चार परसेंट तो पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने क्लॉस एक्ट कर दिया प्लस माइनस टू परसेंट तो इससे एक टॉलरेंस बैंड बन गया दो से छ परसेंट के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो मतलब इकोनॉमी में सब सही चल रहा है दिस इज वॉट इट इज एज्यूम्ड आई होप अब आपको समझ में आ गया है तो फ्रेंड्स अब किस बात की देख अब हम करेंट रेट को समझ लेते हैं देखो जो मोनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो हमेशा छः मेंबर का कमेटी होता है ठीक है छः मेंबर में जो तीन लोग हैं वो आर बी के तरफ से आते हैं और जो तीन लोग हैं ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं राइट right? ये तीन लोग बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट होते हैं देश के और जो तीन लोग हैं इस तीन लोग में कौन कौन होता है एक गवर्नर आर के खुद होते हैं एक डिप्टी गवर्नर होते, है, होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं राइट तो देखो डॉक्टर शशांक भिड़े डॉक्टर राजीव रंजन डॉक्टर माइकल डी पात्रा श्री शक्तिकांता दास ठीक है डॉक्टर अशिमा गोयल तो प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ये आज के दिन में टोटल छः लोग हैं ठीक है तो ये छः लोग क्या करते हैं साल में इनको जो मैंडेट मिला है इनको चार बार मिलना मैंडेटरी है लेकिन जो प्रथा आर में चला आ रहा है वो ये है कि हर दो महीने में ये एक बार मिल लेते हैं ये मतलब ज़्यादा भी मिल सकते हैं ऐसा नहीं है ये बीच में भी कभी भी जब इनको लगे इकोनॉमी में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बिठा के ये जो भी चेंज करना है कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज फोर ठीक है तो देखो इसमें क्या होता है ना वोटिंग होता है कि रिपोर्ट कितने से बढ़ाना है क्यों बढ़ाना है पूरे डिस्कशन के बाद में वोटिंग होता है मतलब डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है तो वोटिंग में क्या होता है अब छह लोग हैं अब ऐसा हो सकता है कि थ्री थ्री से टाई हो जाए तीन लोगों ने बोला कि हाँ भाई बढ़ाना चाहिए तीन लोगों ने बोला नहीं बढ़ाना चाहिए तो क्या होगा तब जो गवर्नर हैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं श्री शक्तिकांता दास जो आज के दिन में गवर्नर हैं उनको विटो पावर मिला हुआ है वो एक सातवां वोट डाल सकते हैं वो किसी भी साइट को विटो कर सकते हैं मतलब ही कैन एक्चुअली गिव टू वोट्स लेकिन उनको ये पावर यूज करने का अधिकार तभी है जब वोट टाई होगा मतलब आप चीज चीज समझो मान के चलो आर गवर्नर ने बोला नो लेकिन बाकी चार लोगों ने बोला यस तो यहां पे आर गवर्नर का बात को नहीं माना जाएगा वो बोर्ड इतना पावरफुल है कि उस बोर्ड में अगर चार लोगों ने यस बोल दिया है मतलब उस कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो वही चीज फॉलो होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट गवर्नर थिंग्स लेकिन गवर्नर अपने विटो पावर को तभी यूज कर पाएंगे जब ये फिफ्टी फिफ्टी से टाई होगा ठीक है तो आज के दिन में रेट कितना है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट है जो स्टैंड है वो स्टैंड है वो है विड्रॉल ऑफ एकॉमोडेशन फिक्सड रिवर्स रिपोर्ट है थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट एम एस एफ एंड बैंक रेट है सिक्स पॉइंट फाइव जीरो परसेंट सी आर आर और एस एल आर है फोर पॉइंट फाइव एंड एटीन परसेंट रेस्पेक्टिवली फिनेशियल ईयर ट्वेंटी थ्री का जो रियल जी डी पी प्रोडक्शन है वो है सिक्स पॉइंट एट परसेंट एंड सी पी आई इन्फ्लेशन सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ये सारा डेटा आपको याद करना है फ्रेंड्स क्योंकि ये आपको पूछ सकता है किस पे ऑब्जेक्टिक के फॉर्म पे सो फ्रेंड्स विद दिस वी आर डन लेट्स मी टुमोरो इन सम अदर लेक्चर टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड जैसा कि पता है नया साल आ रहा है तो ईयर एंड सेल भी चल रहा है यू नो सो दिस आर द डिस्काउंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑब्वियसली यू कैन गो टू देबसाइट एंड चेक और यू कैन ऑल्सो कॉल इन दिस नंबर टू इंक्वायर एनी थिंग अबाउट द एग्जामिनेशन सो एंड ऑलवेज रिमेंबर आई कैन भी हेल्प यू प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर